केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश CDF यूपी ने दवा विक्रेता समिति भालूटिया मार्केट की संबद्धता खत्म कर और दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे को CDF यूपी जोन 12 के महामंत्री पद से निष्कासित होने पर दवा विक्रेता समिति भालूटिया मार्केट गोरखपुर के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे द्वारा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश CDF यूपी के महासचिव सुरेश गुप्ता के ऊपर आरोप लगाने पर CDF यूपी के महासचिव सुरेश गुप्ता ने गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर विशेष बात करते हुए कहा कि संगठन विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण दवा विक्रेता संबद्धता खत्म की गई है। गोरखपुर न्यूज द्वारा उनके ऊपर लगे आरोप के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि निष्कासित और संबद्धता खत्म होने के बाद गए आरोप का कोई मतलब नहीं है। वहीं दवा विक्रेता समिति भालूटिया मार्केट के महामंत्री आलोक चौरसिया ने CDF यूपी के महासचिव सुरेश गुप्ता के ऊपर पलटवार करते हुए बताया कि वो स्वयं हम लोगों के संगठन के निष्कासित लोगों को प्रेशर देकर उन्हें ही मनोनीत करना चाहते हैं और संबद्धता खत्म करने के पहले उनके संगठन को पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, जो सर्वदा अनुचित है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर विशेष बात करते हुए CDF यूपी के महासचिव सुरेश गुप्ता और दवा विक्रेता समिति गोरखपुर के महामंत्री आलोक चौरसिया ने कहा, देखिए गोरखपुर की जो ये जिले की जो संस्था है ये 1995 से हमारे संबद्ध जिला इकाई के रूप में रही है और उस समय के जो पुराने जो पदाधिकारी थे जिसमें विश्वमोहन तिवारी सत्येंद्र सिंह तो अब नहीं रहे बेचारे, उनका स्वर्गवास हो गया, मगर वो पुराने लोग जो डेडिकेटली जिन्होंने संस्था की नींव रखी और संस्था ने बड़े नित नए मुकाम हासिल किए, डेडिकेटली उन्होंने गोरखपुर के जो भी दवा व्यवसायी थे उनके लिए काम किया संस्था के पदाधिकारियों ने। चुनाव एक प्रक्रिया है और चुनाव में लोग जो है जीतते हैं हारते हैं, तो ये जो अभी वर्तमान में जो इकाई थी और जो इसके पदाधिकारी हैं इन लोगों का चुनाव हुए 3 वर्ष से ज्यादा हो गया और ये इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनका कार्यकाल था वो 3 वर्ष का था, मगर ये चूंकि ज्यादा समझदार और ज्यादा इंटेलिजेंट है तो इन लोगों ने चुपचाप बंद कमरे में जो है उस कार्यकाल को 3 साल की जगह 5 साल कर लिया। हालांकि उसमें हमारा कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है क्योंकि उसमें गोरखपुर के जो दवा व्यवसायी हैं जो सदस्य हैं जिला इकाई के वही उसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। हमारे पास कंप्लेंट भी आई मगर हमने फिर भी मैंने कोई कार्रवाई नहीं की, मगर मामला तब जब खराब हुआ कि ये लोग संगठन विरोधी जो है तत्व जो हमारी संस्था के विरोध में काम करते हैं जो हमारी संस्था केमिस्ट एंड ड्रग्स फेडरेशन उत्तर प्रदेश है उन तत्वों के साथ मिलकर और ये हमारे संबद्ध जिला इकाइयों को गुमराह करके और वहां पर ये विघटन वाली स्थिति पैदा कर रहे थे। अब 12 जनवरी को हमारे प्रदेश इकाई की एक बैठक हुई थी, उसमें हमारे प्रदेश के इकाई में आजमगढ़ से एक पदाधिकारी थे जिनको नामित किया गया था, नॉमिनेटेड पोस्ट था वो संगठन मंत्री का, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे संस्था पर व्यक्तिगत मुझ पर लगाए थे, तो वो बनारस में वो मीटिंग का आयोजन किया गया था और उस मीटिंग में उन्होंने सारे जो आरोप लगाए थे उस आरोपों पर पूरे दिन चर्चा हुई, सारे आरोप झूठे थे, कोई भी उन्होंने प्रमाण साक्ष्य जो है वो दे नहीं पाए, मैंने साक्ष्यों के सहित सारे जो है जवाब मैंने वहां दिए जो सब रिकॉर्डेड है और वो रिकॉर्डेड सारा एक दस्तावेज है। उसके बाद वहां हाउस में उस समय 71 जिले इकाई वहां पर मौजूद थे, उसमें से 4 जिले ने जिसमें गोरखपुर भी था और एक बलिया था, एक बस्ती था और एक अलीगढ़, ये 4 जिलों ने वो आजमगढ़ का जो पदाधिकारी था उनका समर्थन किया, बाकी जिलों ने एक मत से एक स्वर से ये संगठन विरोधी जो गतिविधि हो रही थी उसके आधार पर उसको संगठन मंत्री को उसके पद से बर्खास्त किया और संबद्ध जिला इकाई जो आजमगढ़ थी उसकी संबद्धता समाप्त हुई। तो ये एक अलग प्रकरण था और जो ये कह रहे हैं कि वो गबन किया ये किया वो किया, तो वो तो आपको मालूम है कि आरोप लगाना बड़ा आसान है, किसी कोई कुछ भी कह दे अगर मैंने करोड़ों रुपए का गबन किया है तो कोर्ट है कचहरी है न्यायालय है, अभी तक चुप क्यों बैठे हैं? जिन लोगों ने आरोप लगाया उनको तो मुझे जेल भेज देना चाहिए था, मुझे फांसी पे लटका देना चाहिए था। तो सारे आरोप झूठे बेबुनियाद थे और उन आरोपों के आधार पर इन्होंने पूरे भारतवर्ष में हमारी संस्था की छवि को खराब किया, व्यक्तिगत रूप से हमारी छवि को खराब किया, मगर फिर भी चूंकि एक मैच्योरिटी लेवल है, मैं इस संस्था में 1995 से हूं, इतने साल हो गए मुझे, 2003 से मैं इसका महासचिव हूं प्रदेश का, मैंने इसको अन्यथा नहीं लिया। मगर ये जो गोरखपुर जिला इकाई के जो ये अध्यक्ष और मंत्री हैं जिसमें एक दुबे खासकर, इन लोगों ने जो है जो अपने जिले में जो भी ये
इनकी कार्य प्रणाली थी वो संतोषजनक तो नहीं थी। उसके अलावा जो है जगह जगह जिलों में फोन करके और वहां पर विघटन पैदा करने की कोशिश की, तो उन जिले इकाइयों ने लिखित रूप में संस्था को पत्र भेजा, जिस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि इनका फोन आया, इन्होंने हमको अप्रोच किया और हमसे इन्होंने ये कहा कि प्रदेश में दूसरी इकाई का गठन होने जा रहा है, उस इकाई में आप लोग जुड़े, सीडीएफ यूपी और सुरेश गुप्ता का साथ छोड़े। जब लिखित में सब पत्र आए हमारे पास, तो हमने जो बकायदा जो एक सिस्टम होता है संस्था में, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उस हिसाब से हमने इनको स्पष्टीकरण के लिए एक पत्र लिखा और उस पत्र में इन्होंने जो जवाब दिया वो भी संतोषजनक नहीं था। फिर उसके बाद जो बैठक थी कल, उसमें कल की बैठक में हमारी जो संबंध जिला इकाइयां हैं उसमें से कल 68 जिले मौजूद थे उस बैठक में, और उसमें चर्चा हुई, जो इनके खिलाफ साक्ष्य थे वो साक्ष्य सारे रखे गए, इनके पास भी भेजा गया, और उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि नहीं साहब ये हम अपना मनमर्जी कर रहे हैं या अपने मर्जी से हमने इनको संस्था से निकाल दिया या इनकी संबद्धता समाप्त कर दी। तो मेरा कोई व्यक्तिगत तो किसी से कोई दुश्मनी है नहीं, ना व्यक्तिगत कुछ लेना देना है। संस्थागत तौर पे अगर सदन निर्णय लेता है तो उस निर्णय का अनुपालन कराना महामंत्री की जिम्मेदारी है। तो कल जो निर्णय हुआ कि इनकी संबद्ध जिला इकाई जो है इनको उनकी संबद्धता समाप्त की गई और जो इनका एक जोन का पद था तो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब इस पूरे प्रकरण को ही बार बार जोड़ के कह रहे हैं कि जो अखिल भारतीय संस्था AICD है उससे हमको ये कहते हैं कि डीएफलेट कर दिया गया है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने उस आधार को हो या कुछ भी को हो, या इन लोगों ने जो अभी जो महामंत्री ऑल इंडिया का, वो उस समय मैं ऑल इंडिया का महामंत्री था, हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, 2017 में चुनाव हुआ, चुनाव में मैं चुनाव हार गया, वो चुनाव जीत गए, तो अभी वो वर्तमान में वो अखिल भारतीय संस्था के महामंत्री हैं, उससे पहले मैं 6 साल तक मैं अखिल भारतीय संस्था का महामंत्री था। तो ये चुनाव एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में मैं हार गया वो जीत गए, मगर वो हारने जीतने के बाद भी मैं तो हार के भी मैं शांत बैठा हूँ, जीतने के बाद भी उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विघटन करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं उस गहराई में तो नहीं जाना चाहता, मगर AICD ने CDFUP को ना तो डीएफलेट किया है, न उसकी संबद्धता समाप्त की है, हाँ सस्पेंड किया है, किन आधार पे किया उसका जवाब आज तक AICD ने दिया नहीं है, और उसका हम लोगों ने लिखित रूप में उनको उनसे जवाब मांगा है। अगर नहीं देंगे तो फिर उसके बाद बाकी प्रक्रिया है, कोर्ट है, न्यायालय है, सारी चीजें हैं, फिर देखेंगे जहां जस्टिस मिलेगा। मगर उस संगठन को सस्पेंड कब किया गया था आपके? जिस दिन वो सुधीर अग्रवाल जी जो आजमगढ़ के थे, हैं बल्कि, वो हमारे प्रदेश इकाई में संगठन मंत्री थे, नॉमिनेटेड थे, जिस दिन सदन ने कार्रवाई बनारस में की उसी दिन अखिल भारतीय संस्था की बैठक गोवा में हो रही थी। तो हम लोग चूंकि हमारे प्रदेश की खुद की बैठक थी तो गोवा में तो हम लोग जा नहीं सकते थे, एक ही दिन थी, एक ही तिथि था, एक ही समय था। तो चूंकि वो अखिल भारतीय संस्था का उनको महामंत्री, यहाँ पर संगठन मंत्री थे और उनको उपाध्यक्ष पद के लिए हमने ही संस्तुति करके भेजी थी, जहां उत्तर प्रदेश की जो इकाई है CD होगी उसके आधार पर वो वहां पर AICD में वो उपाध्यक्ष है। तो वो फेवरिज्म या जो भी कही है उसी समय सस्पेंड करने की घोषणा की गई, जिसका पत्र मुझे 23 जनवरी को आया, 12 जनवरी की ये बात थी कैसे सस्पेंड किया जा रहा है। मगर उस प्रकरण से आज गोरखपुर इकाई इतने, आज अगर 12 जनवरी की बात करेंगे तो आज कितना हो गया, आज 24 अगस्त हो गया, इतने दिनों तक करोड़ों का गमन और ये सब चीजें इनको याद नहीं आया, आज जब इन पर कार्रवाई हुई और सदन द्वारा हुई तब इनको याद आ रहा है कि हमने गमन किया है, हमने अत्याचार किया है, हम तानाशाही कर रहे हैं, इस तरह की बातें कह रहे हैं जो सरासर गलत है और इस तरह की हल्की बात नहीं करनी चाहिए। और एक टेक्निकल बात जवाब मैं आपसे चाहूंगा सर, कि अब ये चूंकि ये आप संबद्धता एक दूसरे को आप देते हैं, जैसे आपकी संबद्धता ही सस्पेंड हो गई तो क्या सस्पेंडेड आदमी किसी को सस्पेंड कर सकता है संस्था को? संस्था को हम असंबद्ध कर सकते हैं? मैं मेरा सवाल जो एज ए लेमैन आपसे पूछ रहा हूँ जी, अगर कोई सस्पेंडेड संस्था है जो जैसा कि आपने बताया कि अखिल भारतीय संगठन ने आपके संगठन को, अच्छा आप उस सस्पेंडेड की बात कर रहे हैं, उस सस्पेंडेड मैं कर रहा हूँ कि उसको आपने जो संस्था ऑलरेडी सस्पेंडेड है तो क्या किसी दूसरे को सस्पेंड कर सकती है?
पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि हर इकाई का अपना संविधान होता है और हर इकाई अपने संविधान से अपनी संस्था का संचालन करती है। अखिल भारतीय संस्था का अपना संविधान है, सीडीपीपी का अपना संविधान है और दवा विक्रेता समिति गोरखपुर का अपना संविधान है। उसको कार्य करने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे संविधान में जो प्राविधान है उसके हिसाब से हम अपना कार्य करते हैं। अखिल भारतीय ने हमें सस्पेंड किया, उससे हमारी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही हमारी कार्यप्रणाली पे। इस तरीके से आपके सस्पेंशन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तो ना पड़े, हमने तो नहीं कहा। जिस तरीके से आपने संगठन को उनको सस्पेंड किया, जिस तरीके को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अफिलियेशन तो आप विड्रा कर रहे हैं तो संगठन तो उनका काम कर ही रहा है। देखिए, हम सीडीपीपी को सस्पेंड किया गया, डीएफलेट नहीं किया गया जी। और दवा विक्रेता समिति को डीएफलेट किया गया है, उसकी संबद्धता समाप्त की गई है। सीडीपीपी की संबद्धता समाप्त नहीं की गई है, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क। नहीं नहीं ठीक है, संबद्धता आपने नहीं तो क्या इनको पहले देखिए सर, सस्पेंशन पहले आपने 100 का नोटिस दिया होगा। जी बिल्कुल दिया। और फिर 100 का नोटिस देने के बाद फिर आपने इनसे उसका जवाब एक टाइम दिया होगा, कितने दिन का टाइम दिया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल दिया टाइम। क्या होगा तो उसमें अगर इनका जवाब नहीं तो आपने इनको सस्पेंड किया होगा, उसकी संबद्धता समाप्त किए होंगे। ये प्रोसेस तो जो नॉर्मली होता है। हाँ, हाँ, जो प्रोसेस है वही जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। डेट वाइज बताएंगे कि कब आप इनको 100 का नोटिस दिया था, कब इनका सस्पेंशन हुआ था और कब तो मान लीजिए आपने इनका संबद्धता समाप्त कर दी है। क्योंकि देखिए मैं एग्जैक्ट डेट तो आपको नहीं बता सकता, मंथ बता सकता हूँ। इनको जून में इनको 100 का नोटिस दिया गया था और उसमें 15 दिन का समय दिया गया था। 15 दिन के समय में इन्होंने उसका जवाब दिया। जो जवाब था वो जवाब पूरी तरह से असंतोषजनक था। फिर उसके बाद इनको दोबारा 100 का नोटिस दिया गया और उनसे उसी जो पॉइंट्स इन्होंने जो मिसगाइड करने की बात की थी उसको हमने पॉइंट करके लिखा कि आप ये इन प्रश्नों का जवाब दीजिए, तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद जिन जिलों में इन्होंने बातचीत की उनके लिखित में पत्र आए, वो पत्र इनके पास गया, भेजा गया, उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद जो हमारे संविधान में जो प्रोविजंस है उसके आधार पर उसकी पूरे सदन में चर्चा हुई, उसके बाद सदन ने निर्णय लिया। तो जो कुछ भी हुआ है ये कोई एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है, जो हमारे संविधान में जो संवैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपनाते हुए इनकी संबद्धता समाप्त की गई है। उसी प्रकार से ये क्या उसी एक मिनट ये क्या उस कल की मीटिंग में वो थे ये इनकी? हाँ ये थे, ये थे उस मीटिंग में। पूरी रिकॉर्डिंग है मीटिंग की, ये थे, खुद मौजूद थे भाई ये मीटिंग में। तो ये जब संबद्ध इकाई थे कल तक, निर्णय लेने से पहले तक तो संबद्ध इकाई थे ही, इस मीटिंग में थे। उस मीटिंग में वो जिले भी थे जिन जिलों ने इन पे आरोप लगाया, जिन जिलों में लिखित रूप में जिन जिलों ने दिया, वो सब थे वहां पर। क्रॉस क्वेश्चन हुआ, सारी चीजें हुई, उसके बाद सदन ने निर्णय लिया है। और रही बात एआईसीटी ने अगर सीडीपीपी को सस्पेंड किया है तो सस्पेंड किया है, उनको अधिकार है। अगर उनको लगता है कि हमने कुछ गलत किया तो आपको डीएफलेट कर दे। और डीएफलेट करने से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दवा विक्रेता समिति की कार्यप्रणाली ठप हो गई है या वो सीज हो गया उनकी वर्किंग, ये तो मैं कही नहीं रहा हूं। हाँ, इसके लिए इसके बाद हम स्वतंत्र हो गए कि हम गोरखपुर में कोई भी सशक्त जिले इकाई का गठन कर सकते हैं, अच्छे लोगों को ला सकते हैं जो संस्था के लिए काम करें, सदस्यों के लिए काम करें, सदस्यों के समस्याओं का निस्तारण के लिए काम करें, वो हम कर ही सकते हैं। अब मैं इस वक्त चूंकि ये मामला विषय कुछ और है, मैं आपसे दूसरे विषय पे चर्चा इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि ये क्या कर रहे थे अब तक। तो ये अगर मैं बोलूंगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये इन्होंने कुछ बात कही है तो मैं उसको परितर दे रहा हूं, तो वो तो उचित नहीं है। मगर प्रकरण ये है कि इन्होंने जो किया वो संगठन विरोधी जो है गतिविधियां की, वो प्रमाणिक तौर पर उस पर चर्चा हुई, जो प्रक्रिया जो थी पूरी वो प्रक्रिया अपनाई गई, चर्चा के पश्चात इनको पूरा अवसर दिया गया, इन्होंने अपनी बात रखी, वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद सदन ने निर्णय लिया। ये स्वतंत्र हैं, अपने जिले में काम करें। दवा विक्रेता समिति को हमने तो कोई वर्किंग चीज की नहीं है। मगर ये जो कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने फार्मासिस्ट के विषय पर जो है हमने बात की और उनको बहुत बुरा लगा, तब से जो है प्रतिशोध रखने लगे, ये सब तो बेकार की बातें हैं। मुख्यमंत्री ये तो मुख्यमंत्री का हर विषय में मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं और हद तो तब हो जाती है कि ऐसा कई बार तो ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि ऐसे कहते हैं जैसे मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी इनकी जेब में बैठे हुए हैं। कई लोगों ने लिखित रूप में शिकायत भी की है मुख्यमंत्री कार्यालय में
मगर हम उस विषय पे नहीं जाना चाहते। जहां तक फार्मासिस्ट इशू की बात है, फार्मासिस्ट की इशू आज भी वैसे ही है। इस मामले में मैं जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं और अभी भी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, तब से मैं खुद 4 बार उनसे मिल चुका हूं, 2 बार इसी फार्मासिस्ट के विषय पे ही बात हो चुकी है। मगर फार्मासिस्ट का जो कानून है वो केंद्रीय कानून है, उसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, राज्य सरकार उसमें चाहे तो भी संशोधन नहीं कर सकती। तो ये तो मुख्यमंत्री का नाम ले या प्रशासन का नाम ले और वाह वाह लूटे, ये सब तो हमारे कार्यप्रणाली में नहीं है। अगर उनको लगता है कि उन्होंने बड़ी राहत दे दी तो मुझे बताएं कि क्या फार्मासिस्ट की समस्या समाप्त हो गई, क्या उसकी अनिवार्यता समाप्त हो गई, क्या बिना फार्मासिस्ट की दुकानें चलनी रिटेल की, जैसा उन्होंने उस समय के अखबारों में दावा किया था, अखबारों में उन्होंने न्यूज छपवाई थी कि फार्मासिस्ट की अनिवार्यता समाप्त हो गई, मुख्यमंत्री ने आदेशित कर दिया। ऐसे वो आज तक भी वो कटिंग है, आप लोकल लोगों से पूछिए, उनकी 2-4 लोगों की बाइट लीजिए, वो आपको बताएंगे। तो सस्ती लोकप्रियता के लिए समाचार में कोई अगर झूठी खबर छपवाता है तो उससे जो पैतृक संस्था AICTE है या पैतृक संस्था जो CDFUP है प्रदेश की, इसकी छवि पे भी बहुत फर्क पड़ता है। आपका ये कहना है कि ये इन्होंने आपकी पैतृक संस्था जो है उसके साथ संगठन महामंत्री से साठगांठ करके ये सब चीजें फ्लॉट। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपका संगठन, आप संगठन के संगठन के महासचिव का प्रदेश के देश के महासचिव के ऊपर है, उनके साथ ये साठगांठ करना ऐसा है क्या? देखिए, मैं देश के महासचिव के ऊपर तो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मुझे आरोप लगाना भी नहीं चाहिए, मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं है। मगर जो हमारे प्रदेश में नामित जो संगठन मंत्री थे उनके साथ साठगांठ करके तो ये कर ही रहे हैं और वही आरोप इन पर सिद्ध हुए हैं। अब वो हमारे प्रदेश इकाई में है नहीं, पदाधिकारी भी नहीं है, वो कोई प्रदेश की इकाई का गठन करने जा रहे हैं, उसके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो भाई ये तो संभव नहीं हो सकता ना कि आज अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई मंत्री है और कांग्रेस के लिए काम करे या कांग्रेस का कोई पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करे, ये तो संभव नहीं है। समन्वय हो सकता है मगर पार्टी या दल या संस्था के जो विचारधारा है उसके विपरीत अगर कोई सदस्य काम करता है तो वही संगठन विरोधी गतिविधि मानी जाती है। नहीं, अगर, तो इन्होंने जो अगर कोई आदमी पब्लिक लाज के बारे में बात करता है, जैसे कि आपने पार्टियों को उदाहरण दिया, तो जनहित में अगर कोई बात करता है तो अक्रॉस द लाइन बातें होती हैं जी। हाँ, अगर मान लीजिए कि आप लोग का एक जनहित क्या है, आप लोग का जनहित तो दवा विक्रेताओं की साहित संरक्षण है। जनहित में कोई भी विषय आप लोग का संगठन का मेन मोटो तो यही है ना कि ये कोऑर्डिनेट करे और जो दवा के दुकानदार हैं उनके की रक्षा करे। जी तो बिल्कुल, इस संबंध में अगर वो कोई किसी से बात करता हो तो इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है या किसी? हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर विषय नहीं है जो विषय आप कह रहे हैं, ये विषय नहीं है। विषय जो है वो ये है कि इन्होंने फोन करके कहा कि CDFUP से आप अपना नाता तोड़ो, आज जो निष्कासित जो संगठन मंत्री है वो प्रदेश स्तर पर संगठन का गठन करने जा रहे हैं, आप उसके साथ जुड़ो। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जितनी जिले हैं सब हमारी संबंध इकाई के रूप में आज भी हैं। अगर मैं बात करूं तो सिर्फ ये 2 जिले थे अब तो थे कहूंगा, जिसमें गोरखपुर हो गया, एक अलीगढ़ हो गया, जिनके ऊपर ये आरोप था और उसके सारे प्रमाण थे। तो इन्होंने बाकी जो संबद्ध जिला इकाइयां हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया, उनको बरगलाने का प्रयास किया, उन्हीं लोगों ने लिखित में शिकायत की। तो अगर जनहित की बात होती है तो उसमें तो किसी की कोई आपत्ति नहीं है, ना हमें आपत्ति है और न ही किसी भी जन समुदाय को उसकी आपत्ति हो सकती है। मगर संस्था नियम के अनुसार चलती है, अनुशासन के अनुसार चलता है, अगर उसके विपरीत कोई काम करेगा चाहे वो सदस्य हो चाहे पदाधिकारी हो तो फिर वो संस्था के नियमावली के अनुसार उन पर कार्रवाई होती है। और ये कोई पहली बार किसी पदाधिकारी या संबद्ध जिला इकाई के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है अकेले उत्तर प्रदेश में। अगर आज मुझे AICTE ने CDFUP को सस्पेंड किया है तो उनके पास कोई ना कोई आधार होगा सस्पेंड करने का, तो आधार है तो DFLIT कर दें। आधार तो उन्होंने ये बताया कि भी आपने जो है आजमगढ़ से सुधीर अग्रवाल को आपने क्यों उनको पद से जो है निष्कासित कर दिया, तो उनके खिलाफ पर्याप्त प्रमाण थे जो उन्होंने आरोप लगाए थे, उन आरोपों को उन्होंने सिद्ध नहीं किया और सिद्ध कर भी नहीं पाए। मैं बहुत आसान है कि मैं किसी को कह दूं कि भाई इसने 10 करोड़ का गमन किया है और अखबार में सुर्खियों में छप जाए 10 करोड़ का गमन किया है तो उसका प्रमाण भी तो लाना पड़ेगा ना। और अगर मैंने करोड़ों का गमन किया है तो फिर मैं आज यहाँ शांत तरीके से कैसे बैठा हूं मैं?
तो ये सब तो राजनीतिक जीवन में सब चलता है और मैं इसको बहुत अप्रत्याशित नहीं मानता, मगर आज दवा विक्रेता समिति और योगेंद्र दुबे पर कार्रवाई हुई तो ये इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। और अब जनवरी से लेके आज अगस्त हो गया, 7 महीने में तो इनको हमारी कार्यप्रणाली पे और ये जो आरोप लगे थे इनसे तो कुछ सरोकार नहीं था इनका, तो मैं इसको उचित नहीं मानता। हाँ ये जरूर है कि इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सब प्रमाण है, प्रमाणित है, उसकी चर्चा हुई, जो संवैधानिक प्रक्रिया उस प्रक्रिया के अनुसार चर्चाएं हुई, उनको स्पष्टीकरण के लिए समय दिया गया, नोटिस दिया गया, जवाब आया, जवाब तार्किक है या नहीं है, संतोषजनक है या नहीं है तो मैं नहीं तय कर सकता, ये तो सदन ही तय कर सकता है, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। नहीं, सदन ने क्या तय कर क्या आरोप लगाया इनके ऊपर? सदन ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि संगठन विरोधी कार्रवाई कर रहे हैं, जिले इकाइयों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पर विघटन पैदा कर रहे हैं, और ये इस तरह का जो कार्यविधि है वो संगठन विरोधी कार्यविधि आता है हमारे संविधान के अनुसार, इसलिए इनको इनकी संबद्ध इकाई को असंबद्ध किया गया, डीएफलेट किया गया। और जब डीएफलेट हुआ तो ये जोन में महामंत्री थे, वो जो हमारा जोन है उस पूर्वांचल का जो गोरखपुर का जो जोन है जिसके अंदर 5 जिले हैं, जिसके अंदर सिद्धार्थनगर है, देवरिया है, महाराजगंज है, पडरौना है, उस जोन के महामंत्री थे, तो उस पद से भी ये निष्कासित स्वतः ही निष्कासित हो गए। और उनके दवा विक्रेता समिति के कार्यप्रणाली पे न तो मैं रोक लगा सकता हूं, ना मेरे पास वो अधिकार है। हाँ, मगर ये मेरा अधिकार है कि उस जिले इकाई से हम एक ही संबद्ध इकाई को संबद्धता दे सकते हैं, एक ही यूनिट को दे सकते हैं। तो अब हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, गोरखपुर हमारा आज की डेट में सीडीपीपी का एक वैकेंट डिस्ट्रिक्ट है। तो जब ये माहौल ठीक होगा, ये कोविड का जो संक्रमण काल चल रहा है, जब वातावरण ठीक होगा तो आएंगे वहां पर, और जो भी सही लोग होंगे जो सीडीपीपी की विचारधारा से संस्था चला सकते हैं, जो समस्याओं को निस्तारण करने में सक्षम है, जो वहां केमिस्ट हैं या जन समुदाय की सेवा कर सकते हैं अपने व्यवसाय के साथ साथ, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी, उनको संबद्धता दी जाएगी। एक अपनी जानकारी के लिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं जी। इस तरीके से आपने कहा कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है और एक ही संस्था को आप मान्यता दे सकते हैं, वो सस्पेंशन उनको सस्पेंड नहीं किया गया, इनको डीएफलेट किया गया है, इनको किया गया। तो आपकी सस्पेंशन मान लीजिए वहां हुआ है तो क्या डीएफलेशन की भी केंद्रीय कमेटी तय करे कि डीएफलेट करके फिर आप एक नई संस्था खड़ा कर दिया जाए, ऐसा कुछ है क्या? मैं अपनी जानकारी के लिए जो कि हमारे जो दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए मैं आपसे चाहूंगा। आप अखिल भारतीय संस्था के स्तर की बात कर रहे हैं कि वो ऐसा सोच रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ जी जी जी, कहीं ऐसा नहीं, वो मेरी जानकारी में नहीं कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं सोच रहे हैं। अगर वो सीडीपीपी को डीएफलेट कर सकते हैं तो कर दें भाई। जिस तरीके से आज दवा विक्रेता समिति गोरखपुर जो है वो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया निर्णय को चैलेंज नहीं कर सकते, उसी तरीके से अगर उनके पास ये अधिकार है और उनका संविधान उनको अगर इस बात की को परमिट करता है तो भी संस्था संविधान के अनुसार चलता है। और हर जिले का, हर प्रदेश का और देश का, सबका संविधान जो है अलग अलग है, सबके संविधान में प्राविधान अलग अलग है। अखिल भारतीय स्तर पर तो 3 संस्थाएं चल रही है, कोई अकेला ही नहीं है। एएसडी एआईसीडीएफ भी एक है जो अखिल भारतीय स्तर पर एक संस्था है। तो जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो जिले स्तर पर हो, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, चाहे देश स्तर पर हो, उनका अपना संविधान है जो सोसाइटी रजिस्ट्रार अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है और उसके अंदर जो भी प्रोविजन है उसके अनुसार काम कर सकती है। अगर एआईसीडी के संविधान में ये उनको अधिकार मिलता है कि वो हमने अगर कोई गलती की है तो कार्रवाई कर सकते हैं, और हमने कोई गलती नहीं की है या हमारी इकाई ने गलती नहीं की है, तो अगर वो कोई निर्णय लेते हैं तो उसके बाद फिर हमारा जो भी उचित निर्णय होगा उसके अनुसार हम करेंगे। मगर हमारी कार्यप्रणाली को कोई नहीं रोक सकता, ना हम किसी दूसरे की कार्यप्रणाली को रोक सकते हैं। एक चूंकि इसमें आगे की बात ये बढ़ती है कि आप भी चूंकि इस संगठन के वहां केंद्र के महासचिव रहे तो उनके बारे में जो बायलाज के बारे में आपको ज्यादा जानकारी होगी, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपसे सवाल पूछा, इस पे जवाब। वो नहीं कर सकते हैं जब तक, क्योंकि जो कुछ भी अगर मान लो अगर प्रदेश का आंतरिक मामला है, उस आंतरिक मामले में अगर कोई भी विवाद होता है तो प्रदेश का प्रव्यू है, प्रदेश उस आंतरिक मामले को सुलझाने में या उसके संदर्भ में निर्णय लेने में सक्षम है। उसके अंदर कोई भी संस्था, आज गोरखपुर दवा विक्रेता समिति का जो आंतरिक मामला है, जो मैंने आपसे शुरू में एक बात कही कि उन्होंने 3 साल का कार्यकाल 5 साल कर लिया, वो उनका आंतरिक मामला है,
उसमें मैं उस विभाग पे मैं उनको जाके उनको सस्पेंड नहीं कर सकता या उनको जाके मैं डीएफएक नहीं कर सकता। वो अपने वहां के लोग कर सकते हैं, वहां के सदस्य कर सकते हैं, वहां के पदाधिकारी कर सकते हैं, मगर सीडीपी भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार से हमारा जो आंतरिक मामला है उसके अंदर एआईसीटी भी उसके अंदर किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं कर सकता। उन्होंने सस्पेंशन किया है, सस्पेंशन तो कोई डीएफलेशन नहीं है, सस्पेंशन किया है तो सस्पेंशन जो है एक टेम्परेरी बेसिस है। अगर वो डीएफलेट कर सकते हैं, संविधान अगर एआईसीटी का उनको परमिट करता है तो कर ले, मगर मैं 6 साल तक रहा हूँ उसी एआईसीटी का मैं राष्ट्रीय महासचिव रहा हूँ, वो संविधान उनको परमिट नहीं करता है, उस आधार पर तो नहीं करता जिस आधार पर उन्होंने सस्पेंड किया है। हाँ, मैं एआईसीटी के खिलाफ कोई काम कर रहा हूँ, एआईसीटी की छवि खराब कर रहा हूँ, या एआईसीटी के आर्थिक मामलों में मैंने कोई गबन किया है या किसी प्रकार का ऐसा कोई कृत्य किया है, तो वो उनके अधिकार क्षेत्र में है, वो कर सकते हैं। ये एक आरोप लगाया उन्होंने सीधा आपके ऊपर जी, दुबे जी ने, यहाँ के जो दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष है जी, सीधा आरोप आपके ऊपर लगाया, उस पर आपको जो उन्होंने गबन का आरोप लगाया, जो भी आरोप लगाया, बिल्कुल बकवास कर रहे हो, बिल्कुल पूरी तरह से बकवास कर रहे हैं। जब 12 जनवरी की बैठक हुई थी तो उस बैठक में तो ये भी थे, ये अलग बात है कि इन्होंने उस व्यक्ति का समर्थन किया जो व्यक्ति हमारी संस्था में से निष्कासित हो चुका है, मगर जब दिन जो आरोप उस व्यक्ति ने लगाया था वो एक भी आरोप को सिद्ध नहीं कर पाया, और हमने उस सारे आरोपों का प्रमाण सहित वहां सदन में मैंने जवाब दिया, उसी प्रमाण को देखकर, उसी जवाब को देखकर सदन में फिर चर्चा की, तभी तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई, तभी तो उसको संसद से निकाला गया। अगर वो अगर मेरे पास कोई अगर प्रमाण ना होता, जो अगर मुझ पे जो आरोप लगे थे वो प्रमाण उनके पास, आरोप का प्रमाण उनके पास होना चाहिए था, मगर जो आरोप मुझ पे लगे कि मैं आरोपित नहीं हूं, मैंने वो प्रमाण सामने रखा सदन में, सारी चीजें रखी, एक एक चीज रखी उस मीटिंग में, तो ये भी थे, वो भी सारे रिकॉर्डेड है। अब ये कह देना कि वो खुद गबन करके बैठे हैं, ये करके बैठे हैं, तो ये तो आप कहते रहिए, चिल्लाते रहिए, आप राफेल में करोड़ रुपए खा गए बीजेपी और मोदी जी, तो ये तो कांग्रेस चिल्लाती रही, मगर वास्तविकता तो अगर सही में अगर ये बात सही होती तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही होती भारतीय जनता पार्टी पे या नरेंद्र मोदी पे? तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज इनके ऊपर जब कार्रवाई की सदन में, तब इनको याद आ रहा है कि मैंने गबन किया। अगर उस समय भी अगर मैंने गबन किया तो आपका चैनल है, आपके चैनल में इनको बाइट देना चाहिए था कि सुरेश गुप्ता ने करोड़ों का गबन किया, तो आज तक तो ये चुप बैठे रहे। आज जब इन पर कार्रवाई हुई, इनके कृत्य की वजह से हुई, इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत ना तो मेरी कोई दिलचस्पी है, ना मुझे इसमें कोई रुचि है, मगर महामंत्री होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मेरा कर्तव्य भी है कि मैं संगठन की हितों को सुरक्षित रखूं, संगठन को एकजुट रखूं, संगठन में कोई अगर तोड़फोड़ करे तो मैं उसको प्रोटेक्ट करूं, और जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है, जो मेरे मुझे अधिकार है, उस अधिकारों का प्रयोग करते हुए मामला में सदन में रखूं, सदन निर्णय लेगा। तो सारी प्रक्रिया जो है उसी के तहत अपनाई गई है। तो ये जो कुछ कह रहे हैं अभी, तो देखिए अब ये जो इन्होंने तो जो कहना था कह दिया, आपने उसको चैनल में वो आपका एयर भी हो गया आपका न्यूज। अब कुछ दिनों बाद आपको आएंगी चीजें निकल के कि जिले के इकाई के जो इनके सदस्य हैं वही लोग क्या क्या इनके ऊपर आरोप लगाते हैं, वो सब सामने आएंगी। हो सकता है आपके चैनल से उन बातों में अगर सच्चाई होगी तो आपके चैनल से समाचार के माध्यम से लोगों तक भी पहुंचेगी। मगर मैं जिले इकाई में इन्होंने क्या किया, मैं उस विवाद में या उस विवेचना में नहीं पड़ना चाहता, इन्होंने क्या किया प्रदेश इकाई में और इनकी क्या गतिविधियां थी वो एक विषय था जांच का, और वो जांच के विषय में सारी जो प्रक्रिया थी उसको अपनाई गई, उसमें इनको पूरा मौका दिया गया, इन्होंने उसमें बहस भी की, अपनी बात भी रखी, उसके बाद सदन ने उसका जो भी उचित निर्णय था उस निर्णय को लिया, और अंतिम निर्णय ये रहा कि इनकी संबद्धता समाप्त की गई और ये पद से पदच्युत हो गया, ये निर्णय। मैं आलोक चौरसिया, महामंत्री दवा विक्रेता समिति गोरखपुर। कल की घटना हुई है, वर्चुअल मीटिंग थी हमारे प्रादेशिक संगठन सीडीयूपी के महामंत्री द्वारा आह्वानित थी, जिसमें गोरखपुर जिला इकाई को डिफोलेट कर दिया गया है माननीय सुरेश गुप्ता जी द्वारा। उनका कहना है ये संविधान के अनुसार हुआ है और सदन ने इसकी सहमति दी है, इसके पश्चात हुआ है, क्योंकि यहाँ के संगठन के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने संगठन विरोधी कार्य किया है, जिसकी वजह से गोरखपुर की पूरी इकाई को निष्कासित कर दिया गया है। मेरा कहना इस पर यह है कि निष्कासन की प्रक्रिया वो भी उस बॉडी के लिए, गोरखपुर जैसे बड़े जिले के लिए, दवा एसोसिएशन का बड़ा जिला है जहाँ पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी है, और
यहाँ के एक अध्यक्ष कृत जो कि पूर्णतः गलत आरोप है, सही भी नहीं है, और उसके पास कोई एविडेंस भी नहीं है। उन्होंने अपने पास से वर्चुअल मीटिंग में, आप भी जानते हैं, जाके जिसको हाँ बुलवाना आप बुलवा सकते हैं, जिसे नहीं बुलवाना उसको म्यूट कर सकते हैं। इस तरह की एक बैठक उन्होंने सुनियोजित तरीके से आहूत की, जिसमें किसी को बोलने का मौका भी ना दिया और खुद से सदन की इसको सहमति बताते हुए इसको निष्कासित कर दिया। जबकि संविधान के अनुसार, जो सीडीएफ यूपी का भी संविधान है, उसके अनुसार भी या किसी को भी, और यहाँ गोरखपुर इकाई जो है एक चुनी हुई इकाई है, यहाँ इलेक्शन बकायदे होता है, हम चयनित हैं ना कि और यहाँ पर चयन होकर आए हैं, वोट की प्रक्रिया होती है, हम उसके बाद आए हूँ। और अगर एक बार मैं कहता हूँ उनकी बात सही भी है और दवता समिति के अध्यक्ष द्वारा कोई कृत किया गया है, संगठन को तोड़ने का कार्य किया गया है, तो प्रथम क्वेश्चन तो मेरा ये है कि अगर तोड़ने का कार्य किया, उनका आरोप जाके किसी दूसरे संगठन से जोड़ने की बात करते हैं अन्य जिलों का, तो वो अन्य जिले कौन कौन से जिनसे ये बात करते हैं, उसका उन्होंने कागज़ पर दिखाया था मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में, वो एक जगह हैं हम एक जगह हैं, बाकी सारे जिला इकाई अपने अपने जिलों में हैं, तो उन्हें कागज़ पर लहरा दिया जाके मेरे पास चार जिलों की चिट्ठी आई है। तो क्या इतने बड़े प्रदेश में इतने ज़्यादा ज़िले हैं, 80 जिलों में से चार या पाँच जिले की सहमति अगर है भी, वैसे तो आरोपी निराधार है, लेकिन अगर है भी तो उस पर क्या संगठन को बिना सस्पेंड किए, बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए हुए सीधा डीएफिलेट कर दिया जाएगा? और अगर किया भी जाएगा तो मुझे लगता है जाकर अगर हमें वो अपनी एक बॉडी समझते थे, सीडीओपी से एफिलिएशन था, ये हम चुन के आए हुए हैं सीडीओपी से, हमारी एक उस पर आसक्ति थी इसलिए हम उसकी सदस्यता ले रखे थे। यहाँ का जिले का कार्य हम स्वतः, आपको पहले बता दें कि इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, यहाँ के अध्यक्ष मंत्री हम कल भी थे आज भी हैं, जब तक जनता हमारे साथ है हम उसका सेवा करते आए हैं, जनता का बहुमत हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। उनका एक है जाके यूपी की बॉडी से हमें जुड़ा था, उससे उन्होंने हमें निष्कासित कर दिया है, लेकिन ये संविधान के तरीके तहत नहीं हुआ है। संविधान तहत पहले उनको एक, अगर एक व्यक्ति द्वारा को कृत किया भी गया है तो आज मैं बहुत बाध्य होकर आपके समक्ष बोल रहा हूँ कि माननीय महामंत्री, प्रदेश के महामंत्री को पहले हम, मुझे एक, मैं जिले का महामंत्री हूँ और मेरे एक बोर्ड का, मेरा पूरा बोर्ड है 45 आदमियों का, उस बोर्ड को ये विषय देते कि आपका अध्यक्ष ऐसा कृत्य कर रहा है, और अगर उसके प्रति आप लोग कुछ बैठ के उन्हें समझाएं बुझाएं, अगर ऐसा कर रहा है तो भी, वैसे ऐसा उन्होंने किया नहीं है, मैं जानता हूँ अपने अध्यक्ष को, वो कदापि ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक बार किया भी है तो पहले उनको मेरे इस संगठन को देना चाहिए, हम यहाँ बोर्ड बैठ के अब उनको समझाते अगर ऐसा सच होता तो। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अपने तानाशाही रवैये को अपनाते हुए उन्होंने एक बैठक आहूत की, वो भी वर्चुअल बैठक, और वर्चुअल बैठक में बिना कुछ सुने जांचे समझे जो भी वो बोल रहे हैं कि जाके हमने इनसे पूछा, निराधार है, आप भी समझ सकते हैं, जाके पूरी जनता जो सुन रही है समझ सकती है कि वर्चुअल बैठक में किसी को भी बोलने का मौका देना या नहीं देना वो केवल ऑपरेटर के हाथ में होता है, बाकी जिसको चाहे वो चुप चाहे सब म्यूट कर सकते हैं। रही बात सुरेश गुप्ता जी की, उनकी कृत्यों बारे में क्या बताऊँ, इनके ऊपर 4.5 से 5 करोड़ रुपए का गबन का आरोप है, जिसको वो कहते हैं निराधार है, और निराधार वो कहते हैं कि अगर ऐसा रहता तो मैं स्वतंत्र कैसे घूमता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मुझे भी संगठन के माध्यम से ही पता है और इसके हमारे पास साक्ष्य भी हैं, कि गाज़ियाबाद कोर्ट में इनके खिलाफ 420-406 का मुकदमा पंजीकृत है, जिस पर ये बेल पे ये अभी चल रहे हैं और वो मुकदमा अभी लंबित है, और इनके ऊपर ये भी आरोप है जाके संगठन में निर्वाचित होने से पहले इन्होंने गाज़ियाबाद में अपना एक अकाउंट खोल दिया था ऐसा महामंत्री, इन्हें ये आश्वस्त है कि मैं महामंत्री बन रहा हूँ ये बात ठीक है, लेकिन जबकि इसका बायलॉज का रजिस्ट्रेशन बनारस में हमारे है, एक अलग अकाउंट गाज़ियाबाद में महामंत्री का अकेला होना ये कहाँ तक तर्कसंगत है। और दूसरी चीज़ हमारे एसोसिएशन के बायलॉज और सीडीएफयू के बायलॉज में भी है कि अध्यक्ष मंत्री एवं कोषाध्यक्ष मिलकर अकाउंट को भी रन करते हैं, एकल हस्ताक्षर से ये लंबे समय से जो आरोप इन पर चल रहे हैं, और उसका ये जवाब तो नहीं देते हैं, अलबत्ता अपने सवाल ये दागते रहते हैं जो सब कुछ निराधार है। स्वयंभू नेता ये अब हो चुके हैं, कभी इनकी संगठन प्रति आसक्ति हुआ करती थी, अभी ये सोचते हैं जो मैं कह दिया वही ब्रह्मवाक है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी 19 मार्च को शपथ ग्रहण किए थे, 26 को हम केवल गोरखपुर के नागरिक होने के नाते उनसे एक व्यवहारिक मुलाकात करने, उन्हें बधाई शुभकामना देने गए थे, उसमें चूंकि हमारे पूरे गोरखपुर जनपद के अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री हैं तो उनसे हमने फार्मासिस्ट मुद्दे के समाधान के विषय में उनसे वार्ता की थी, वरना फार्मासिस्ट के अभाव में सारी दुकानें, लाखों दुकानें बंद हो जाती हैं। तो माननीय महाराज जी ने एक मौखिक आदेश दिया था कि फार्मासिस्ट के नाम पे उत्पीड़न नहीं होगा हमारे प्रदेश में, जिसके सारे व्यापारी बहुत राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी इनको रास नहीं आया। इनका कहना है
कि जागरण और दैनिक जागरण जैसे प्रमुख प्रदेश के अखबार के प्रदेश के पन्ने पे एक बड़ी खबर छपी थी, वो भी मुख्यमंत्री के हवाले से, उसको ये तक झुठलाने में हिचकते नहीं है, ये कहते हैं वो प्रायोजित न्यूज़ है। तो अब इन्हें कौन समझाए कि जागरण जैसे एक सशक्त और प्रभावशाली और वो भी मुख्यमंत्री की जुड़ी खबर कैसे प्रायोजित हो सकती है। इनकी रही बात कि सुधीर अग्रवाल जी को निष्कासित करने की बात, ये कहते हैं कि अगर सुधीर अग्रवाल जी एक संगठन बना रहे हैं जो AIOCD में भी उपाध्यक्ष हैं और हमारे CDF UP में संगठन मंत्री थे। इन्हें 12 जनवरी की एक हंगामेदार बैठक हुई थी और हंगामेदार इसलिए हुई थी क्योंकि वो भी बैठक प्रायोजित थी और ये किसी से सुनने को तैयार नहीं थे। तो उस पर विषय रखा गया, फिर पूरे प्रशासन आई, फिर विषय रखा गया, तो इन्होंने जब अपने आप को बैकफुट पर देखा तो उन्होंने बैठक को जल्द ख़त्म करके भोजन के लिए आमंत्रित करके उस बैठक को रफा दफा किया कि अगली सुनवाई अगली बैठक में होगी। उस बैठक के में ख़त्म होते होते इन्होंने एक मौके कह दिया उसी हॉल में कि सुधीर अग्रवाल जी जो संगठन मंत्री थे उन्हें अपने पद से इन्होंने हटा दिया। इसका संज्ञान लेते हुए एक घंटे के अंदर ही उसी दिन संयोग से गोवा में एक बैठक हमारे ऑल इंडिया एसोसिएशन चल रही थी जिससे CDF UP एफिलेटेड है, एक घंटे के अंदर इन्होंने इसको अपना जो अपनी इनकी नीति है कि तानाशाही वाली नीति के अंतर्गत ऑल इंडिया एसोसिएशन से ये चर्चा बहुत दिन से थी सुधीर अग्रवाल जी को लेके, उसको ये इन्होंने दरकिनार करते हुए ऑल इंडिया की बात न मानते हुए इन्होंने AIOCD के कहने के बाद भी इन्होंने अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए सुधीर अग्रवाल जी को पद से हटा दिया। इसके एक घंटे के पश्चात ही ऑल इंडिया ने इन्हें भी CDF UP के संगठन को उसने सस्पेंड कर दिया, जिसके फलस्वरूप इनकी जो कुंठा है उसका फलस्वरूप इन्होंने अपना सारा गुस्सा गोरखपुर इकाई पर निकाला है। और मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ और कि ये जो कह रहे जाके हम अपने संगठन यहाँ पे बनाएंगे, अभी हमारे CDF UP से जुड़ी कोई भी इकाई संस्था नहीं है यहाँ पे, तो मैं बताना चाहूँगा हमने गोरखपुर इकाई ने यहाँ पे संगठन विरोधी कार्य करने के नाते 13 आदमी को यहाँ से निष्कासित किया था। उन 13ों से मिलके ये हमें कहते हैं संगठन विरोधी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे संगठन विरोधी कार्य जो करते हैं, जो वो चुनाव जो हम जीते, जो CDF UP इन्होंने ही स्वतः कराया था गोरखपुर आके, इनके पैनल के 12-13 लोग आके उस चुनाव को संपन्न कराए थे जिसकी पूर्णतः वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसके बावजूद भी जो विरोधी 13 लोगों ने हम पे मुकदमे कर दिए और हमारा नाम चिटफंड ऑफिस में न चढ़ने देने के लिए जो भी ज़रूरी कागजात होते हैं वो हमें उपलब्ध नहीं कराया, उनके साथ ही हम मिल के टाइगर रिजॉर्ट जैसे जगहों पर भी जाके ये अपना समय व्यतीत करते हैं, और जिन 13 को हमने निकाल दिया है उनके साथ ये टाइगर रिजॉर्ट घूमते हैं, ये इनके विषय में बताना पर्याप्त है कि इनकी मंशा क्या है और ये संगठन के कितने साथ हैं और कितने व्यापारी हित की ये सोचते हैं। और अभी माननीय महाराज जी की वजह से एक बार पुनः हमने अनुरोध किया, उसके बाद कई रिन्यूअल एक्ट में विसंगतियां थी, कई पोर्टल में हमारी विसंगतियां थी, उसके लिए महाराज जी से हमने निवेदन किया तो महाराज जी ने कहा आपकी एक बैठक हम ड्रग कमिश्नर से फिक्स करा देते हैं, तो आप विभाग के लोगों से संपर्क कर लो, उसके बाद जो यथाउचित कार्रवाई जो भी समाधान होगा उस पर हम देख लेंगे। हमने इनसे महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी हमारे प्रादेशिक संगठन है, हमारा निवेदन कृपया उन्हें भी उसमें बुलाया जाए अध्यक्ष मंत्री को, क्योंकि वो विषय वो भी साथ चलेंगे और चूँकि प्रदेश लीड करते हैं तो उनके मन में कुछ ऐसा ना रह जाए कि हम अनर्गल कोई लाभ ले रहे हैं, अनर्गल हमारा राजनीतिक कोई हमारे मन में कोई लाभ हानि है, इसलिए हमने उनसे निवेदन किया तो महाराज जी से सहर्ष स्वीकार कर लिया। और इनकी मानसिकता आप देख लिए, बैठक थी 2 बजे और लखनऊ में इन्होंने अपने कूटनीति तरीके से अपना के मुख्यमंत्री द्वारा आहूत की बैठक के समय जो 2 बजे जो हमें यहाँ के ड्रग विभाग द्वारा हमें रिसीविंग मिली थी उसको 10 बजे संपन्न करा लिया। उसके बाद हमने तो फिर भी हमने बताया जब माननीय महाराज जी से शिकायत की तो हमारी बैठक वहाँ पर 2 बजे आहूत की गई पुनः उसी दिन, और उसके बाद ड्रग कमिश्नर ने हमारे सारे बातों को समझते हुए हमें बहुत अच्छा रिन्यूअल एक्ट और कई चीज़ों में जो हमारी मांगे थी उसको माना, 3 महीना की अवधि हमारे रिक्वेस्ट पे बढ़ाई, उसे भी अखबार में बहुत अच्छे से प्रसारित किया। और ड्रग कमिश्नर लेवल की बात को भी ये झुठलाते नहीं इतराते हैं, ये कहते हैं ये भी प्रायोजित खबर है, ये भी झूठी खबर, जबकि वो भी फोटो सहित अखबार में छपी थी। अब माननीय महाराज जी ने जो फार्मासिस्ट के नाम पर उत्पीड़न ना हो, क्योंकि ये केंद्रीय कानून है, इसके लिए केंद्र से ही अमेंडमेंट आएगा, लेकिन महाराज जी ने पूरे प्रदेश के दवा व्यवसायियों के लिए इतना बड़ी राहत प्रदान की कि दवा
के दुकानदारों का फार्मासिस्ट नाम उत्पीड़न नहीं होगा। इससे आज पूरा प्रदेश के फार्मासिस्ट महाराज के प्रति बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उनके प्रति आज भी मतलब सारे अपने और अपने परिवार तरफ से उनके लिए रेडी हैं। लेकिन हमारे माननीय सुरेश गुप्ता जी महासचिव उत्तर प्रदेश, वो इतने वो हैं कि वो महाराज जी को कहते हैं आप लोग अपने जेब में लेकर चलते हो। उन्होंने प्रदेश के दवा बचाइयों के लिए दो दो रियायतें इतनी बड़ी दे दी जिससे आज प्रदेश की एक भी दुकान किसी खतरे के लिए मुताद नहीं हो। सुनिश्चित तौर पे अपने और अपने यहाँ चार चार कर्मचारी भी रख ले तो न जाने कितने रोजगार मुहैया करा रही है। लेकिन ये तो उनको भी प्रशंसक दायरे में रखते हैं और कहते हैं हमारी चार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन महाराज जी ने जो काम कर दिया प्रदेश के दवा व्यवसायियों के लिए उसको ये कहते हैं ये भ्रामक है। मतलब ड्रग कमिश्नर की फोटो सहित अखबार में छपना, वो भी कोई दाएं बाएं गली कूचे वाले छपने वाले अखबार पत्रिका नहीं है, प्रदेश के सबसे प्रमुख अखबार दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान जैसे प्रमुख अखबारों में छपी हुई खबर है जिसे ये कहते हैं वो प्रायोजित खबर है। तो इनकी मनोदशा को आप समझ सकते हैं भलवाते कि कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। और रही बात जो सुधीर अग्रवाल जी के प्रति ये कहते हैं कि उन्हें हमने निष्कासित कर दिया और वो अब तक क्या कर रहे थे, तो अगर ये CDOPP का इनका मनमाना रवैया नहीं है तो क्या AICD के वो उपाध्यक्ष जैसे गरिमामय पोस्ट पासीन है, तो अगर वो गलत होते सुधीर अग्रवाल जी तो क्या AICD जैसे बड़ी संगठन जो पूरे देश का नेतृत्व कर रही है, ये तो केवल उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो पूरे देश का नेतृत्व करने वालों को वो आदमी गलत नहीं लग रहा, इन्हें गलत लग रहा है। तो आप स्वतः समझ सकते हैं करनी और कथनी में कितना फर्क है। और मैं आपको अभी आपके माध्यम से ये बताना भी चाहूँगा, ये तोड़ फोड़ के राजनीति पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। जो ये 13 आदमियों को हमने बर्खास्त किया उनके साथ अगर ये टाइगर रिजॉर्ट जैसे नेपाल घूमने जा सकते हैं बिना हमें बतलाए, जबकि हम उनके चयनित इकाई हैं, और उसके साथ कर सकते हैं और अपने को ये संगठन हितैषी समझते हैं। पिछले 5 सालों से मैंने तो नहीं देखा कोई भी संगठन हित में एक कार्य पूरे प्रदेश में करा रखा। इनका स्वतः कहना है मुख्यमंत्री मेरा सुनता नहीं, स्वास्थ्य मंत्री मेरा सुनता नहीं, प्रदेश मंत्री स्वास्थ्य मंत्री सुनता नहीं, मुख्यमंत्री सुनता नहीं। तो अगर आपका कोई कुछ सुनता ही नहीं है तो आप नेतृत्व किस बात का करते हो? आपको खुद से शर्मिंदगी नहीं आती जाके आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए? यह निरर्थक आरोप लगा तोड़फोड़ के राजनीति क्यों करते हो? दूसरी चीज, एक आदमी अगर दुबे जी ने गलती करी भी है उसकी सजा क्या पूरी गोरखपुर इकाई 45 आदमी जो चुन के आई है चुनाव में, जिसको पूरी जनता ने सहमति प्रदान की है, वो अपने तानाशाही रवैये से पूरे बोर्ड को निष्कासित कर देंगे? ऐसी राजनीति इनकी कितने दिन चलेगी? और आपको मैं अभी भी बताना चाहूँगा ये 13 आदमी इनके जो करीबी हैं और ना जाने उनसे इनके क्या ताल्लुकात हैं, जो संगठन इनका इनका परिवार है उससे चोरी छुपे जाके उससे मिलकर उसके साथ नेपाल घूमने जाते हैं, तो इनकी उसी 13 में से किसी को ये बॉडी बनाएंगे इसकी मैं गारंटी देता हूँ। यह आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा इन 13 के अलावा कोई 14वां आदमी इनके पास कोई होगा ही नहीं और होगा नहीं, क्योंकि इन 13 के अलावा और 13 में से भी आधे अब हमारे पक्षधर हैं, केवल 2-4 लोग ऐसे हैं जो हमारे पक्षधर नहीं हैं, उन्हीं 4 में से ये किसी को यहाँ का वो प्रभारी बनाएंगे। इसके अलावा इनके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि गोरखपुर जनपद के सारे दवा विक्रेता हमारे साथ हैं और हमें अपने दवा विक्रेताओं पर पूरा नाज है और उनकी सेवा हमने जितनी इच्छा शक्ति और मनोबल से किया है वो उसके गवाह पूरा गोरखपुर दवा समिति और दवा व्यवसायी हैं। धन्यवाद।